आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा द्वारा कामठी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा। विधानसभा चुनाव की पहली सूची जो है बीजेपी ने जारी की है, उसमें कामठी विधानसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर बावनकुले को इस बार जो है उम्मीदवारी जाहिर की गई है। हमारे साथ कार्यकर्ता है, उनके घर के सामने हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। उन्हें बधाई देने के लिए यहाँ जल्लोष किया गया है। उम्मीदवारी जाहिर होने के बाद कार्यकर्ताओं में अलग सा उत्साह दिखाई दे रहा है, क्या बताओगे? आज बहुत खुशी हो रही है, इतने 5 साल का इंतजार के बाद आज फिर से बावनकुड़े साहब को टिकट मिले, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं है। किस तरह से काम रहेगा आगे? आगे काम मेहनत करनी पड़ेगी, काम विधानसभा से साहब को टक्कर देने के लिए भी कोई नहीं है, किंग इज बैक। साहब को टिकट हुई है, बहुत खुशी हुई है। जैसे हमको पता चला, हम घर से भागते हुए दौड़ते हुए आए हैं। आज ऐसे लग रहा है जैसे खुद के बर्थडे को जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा खुशी हम साहब को टिकट मिलने के बाद अभी हुई है हमको। तो साहब बहुत मतों से आगे बढ़ेंगे और हम उनके लिए बहुत कार्य करेंगे। चुनाव जो है 20 नवंबर को होने हैं, किस तरह से आप काम करोगे? अभी कामठी विधानसभा क्षेत्र से बावनकुए ने जो है उम्मीदवारी जारी की है। पहली एक बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि श्री चंद्रशेखर जी बावनकुड़े साहब जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका नाम ही काफ़ी है। वो पिछले 15 साल से यहाँ पर आमदार रह चुके हैं, उसके बाद में उन्होंने मंत्रालय बहुत अच्छी तरीके से संभाला और साहब के का जो हमारे क्षेत्र में उनको विकास पुरुष कहा जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए किसी को मेहनत करने की ज़रूरत है। वो और इससे जो विपक्षी ग्रुप है उनका ऑटोमेटिकली उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा और साहब का जो है वो 100% श्योर है कि साहब की सीट चुनकर आएगी। शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे कार्यकर्ता अपनी खुशी, क्या बताओगे? मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलता साहब के बारे में, बाप तो बाप रहेगा बस। बावनकुड़े साहब के पीछे हम हैं। आज खरे अर्थाने कामठी विधानसभा मध्ये एक सामान्य कार्यकर्त्याला आणि शेवटच्या घटकापर्यंत राहणाऱ्या एका सामान्य कार्यकर्त्याला न्याय मिळाला आणि चंद्रशेखर बावनकुड़े साहेबांना जे आज जे वरिष्ठ आणि पक्षश्रेष्ठींचे तिकीट दिली त्यांचे मी खूप खूप आभार मानतो। चंद्रशेखर साहेबांचा चंद्रशेखर बावनसाहेबांचा उत्साह जो है यहाँ पे फूले नहीं समा रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे और भी कार्यकर्ता है, क्या बताओगे? आज खरतर बघायला गेलं तर आम्हाला वाटतं की आजच दिवाळी आहे, आजच धनतेरस आहे, सगळे सण त्योहार ईद आजच आहे असं वाटून राहिलेलं आहे। आमच्या कार्यकर्त्यांच्या एनर्जीमध्ये बूस्टअपचं काम या तिकिटीने केलेलं आहे। इथून फक्त विकास आणि विकासाचं काम होणार आहे आणि साहेबांच्या बाबतीत सांगायला गेलं तर फक्त विकास आणि जनतेचे दुःख जनतेचे कामं कसे करावे तर त्याचं एकच उत्तर आहे, श्री माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब। इथून आम्हाला जास्त मेहनत करायची गरज नाही आहे, साहेबांचं नाव म्हणजे ब्रँड आहे आणि त्या ब्रँडसोबत आम्ही सब ब्रँड म्हणून जुळलेलो आहोत याचा आम्हाला बिलकुल अभिमान आहे। त्याबद्दल धन्यवाद भारतीय जनता पक्षाचा, भारतीय जनता पार्टीचा, पार्टीचा। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्या बताओगे आज चंद्रशेखर बावनकुळे ने कामठी विधानसभा नहीं तर संपूर्ण नागपूर जिल्ह्यामध्ये बेरोजगारांसाठी मजुरांसाठी आणि गोरगरीब जनतेसाठी प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या एका प्रामाणिक कार्यकर्त्याला भारतीय जनता पार्टीने पहिल्या यादीमध्ये मान देऊन आमचा सन्मान वाढवला याबद्दल आम्ही कामठी विधानसभेतील सर्व कार्यकर्ते बावनकुळे साहेबांच्या पाठीशी तर आहोच, पण भारतीय जनता पार्टीचं अभिनंदन करतो की त्यांनी एक सर्वसामान्यातला नेता म्हणून बावनकुळे साहेबांची निवड केली आणि बावनकुळे साहेबांचं जे कर्तव्य आहे ते पूर्ण विधानसभेमध्ये गोरगरीब जनतेपर्यंत सर्वांना खूप मोठा आज आनंद झाला आहे। मी पुनश्च बावनकुळे साहेबांच्या जन्मगावचा माजी सरपंच म्हणून बावनकुळे साहेबांचे अभिनंदन करतो की त्यांना उमेदवारी जाहीर केली आणि भारतीय जनता पार्टीला सुद्धा धन्यवाद देतो। अरे कमाल, मी खुशी हुई, मी खुशी हुई, बहुत सारी खुशी हो रही है हमको। हमारे साहब हमारे दैवत है साहब, उनको टिकट मिली, बस इससे अलावा कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते।
तो हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग, नया जोश देखने मिला है जब से उम्मीदवारी जाहिर हुए चंद्रशेखर बावनकुड़े ने, और उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं जो है हमारे समक्ष साझा की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।